जम्मू कश्मीर के रांजौरी पुंछ क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन को रोकना बजरंग दल का उद्देश्य है, ये कहना है बजरंग दल के सह प्रदेश मंत्री नीरज दनोरिया का। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि बजरंग दल ने पूरे देश में साहसिक यात्रा करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वो अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में प्रदेश भर से लगभग 350 लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से बजरंग दल इन क्षेत्रों में हो रहे हिंदुओं को, जो भारी दबाव के बाद भी अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं, उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके साथ हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इस बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकवादियों ने चेतावनी दी थी कि कोई भी यात्री यहां ना आए, लेकिन बजरंग दल ने इन आतंकवादियों को चेतावनी और चुनौती देती हुई ये यात्रा आरम्भ की है। इस यात्रा में जहाँ पूरे देश से हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता आएंगे, वहीं प्रदेश से भी 350 के करीब कार्यकर्ता जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष लगभग 5000 कार्यकर्ता जाएंगे। बजरंग दल ने देशव्यापी अभियान लिया है साहसिक यात्राओं का। 2005 में आतंकवाद की घटना जिस प्रकार से संपूर्ण जम्मू कश्मीर में और देश भर में घट रही थी, उस समय राजौरी और पुंछ के हिंदू भी बड़ी मात्रा में पलायन कर रहे थे, उनका पलायन रुके और भारत के आखिरी क्षेत्र के अंदर भी जहाँ हिंदू कम है, कमजोर है, लेकिन उसे डराने का प्रयास किया, वह हिंदू का मनोबल बढ़े और उसके साथ भी आज भारत के आखिरी कस्बे में भी जाकर संपूर्ण देश के बजरंग दल के नौजवानों ने उनके साथ खड़े होने के उद्देश्य से, उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से, उनका पलायन न हो राजौरी पुंछ के अंदर से, यह विचार रख करके, ये विचार करके, संकल्प लेकर के यह यात्रा प्रारंभ की। आज उसका परिणाम है कि राजौरी पुंछ में बड़ी मात्रा में हिंदू पलायन नहीं, आज वह रहता है, संघर्ष करके रहता है और आज उसने मिसाल दी है हिंदू हम सब एक, आज हिंदू हम सब एक का उद्देश्य लेकर के और भारत को अखंड भारत मानते हुए, संपूर्ण भारत एक मानते हुए यह बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा विभिन्न प्रदेशों से जाती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की यात्रा भी आज विभिन्न स्थानों से, इसमें नालागढ़ है, बद्दी है, परमाणु है, सोलन है या चंडीगढ़ मार्ग से जाएंगे, इसमें पालमपुर, बैजनाथ और बिलासपुर और नूरपुर, इस क्षेत्र के लोग अपने इसी मार्ग से जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जत्थों से, विभिन्न शहरों से ये यात्रा राजौरी पुंछ पहुंचेगी, भारत के उस छोर पर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की जाएंगी। लगभग कितने जा रहे हैं प्रदेश के, कितने श्रद्धालु? लगभग 350 यात्री इस वर्ष जा रहे हैं, अगली बार यात्रा और भी इससे बढ़ चढ़ करके जाएगी। अगली बार क्या इसको और बेहतर ढंग से क्या इसके लिए जिले जिले में टीमें गठित, संगठन बजरंग दल विष्णु परिषद की है, उनको लक्ष्य दिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा अगली बार 5000 की संख्या में यात्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में जाए, ताकि भारत के आखिरी कोने में भी जो हिंदू रह रहा है उसका मनोबल बढ़े और भारत एक है यह संपूर्ण देश में प्रचंड लहराया जा सके।